हेलो गाइस, माय नेम इज जितेश वर्मा। आज के प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मार्कर के बारे में। क्या प्रीमियर प्रो में मार्कर कैसे सेट कर सकते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, मार्कर सेट करने के लिए सिंपल मेथड है। आपको सिंपली टाइमलाइन पे क्लिक करके एम प्रेस करना है अगर आप अपनी टाइमलाइन पे मार्कर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर उसे प्लॉट करना चाहते हैं। अगर आप अपनी क्लिप पे मार्कर प्लॉट करना चाहते हैं तो आपको अपनी क्लिप सेलेक्ट करनी होगी एंड देन आपको एम प्रेस करना है। अभी हम टाइमलाइन पे बात कर लेते हैं कि आप टाइमलाइन पे कैसे कर सकते हैं मार्कर सेट एंड मार्कर का क्या यूज़ है। सिंपली आपको एम प्रेस करना है। लाइक मैं एम प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी टाइमलाइन में एक मार्कर प्लॉट हो चुका है जहाँ पे हमारा टाइमलाइन बार है। या फिर सिंपली आप जैसे ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एक विंडो शो होगी, मार्कर विंडो, जिसमें आपका नेम है, कमेंट है। आप यहाँ पे नेम्स दे सकते हैं, लाइक साउंड है, ऑडियो है, जो भी आप देना चाहें। लाइक मैं ऑडियो दे देता हूँ। देन आप कमेंट में कुछ लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको कमेंट लिखना है, लाइक आपको कितने टाइम तक ऑडियो रिटेन करके रखनी है या फिर जो भी आप चाहें उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की तरह। यहाँ पे ड्यूरेशन दी हुई है कि आप कितने ड्यूरेशन तक अपने मार्कर को चाहते हैं। लाइक मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ 3 सेकंड के लिए या फिर 5 सेकंड के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके तो आपका जो मार्कर है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। लाइक आप देख सकते हैं हमारा जो मार्कर है उसकी ड्यूरेशन बढ़ चुकी है, जो कि 5 सेकंड हो चुकी है। हम इसे डबल क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं मार्कर की सेटिंग में, लाइक कमेंट मार्कर, चैप्टर मार्कर, सेगमेंटेशन एंड बेबलिंग। जैसे आप इन सब पे क्लिक करेंगे ये सिर्फ आपके मार्कर का कलर चेंज करेगा। लाइक चैप्टर मार्कर पे तो आपको मार्कर जो है वो रेड हो जाएगा, सेगमेंट मार्कर पे एंड बेबलिंग। आपको यहाँ पे बेबलिंग एंटर कर सकते हैं। लाइक अभी हम कमेंट रहने देते हैं। आप यहाँ पे अपना कलर चूज कर सकते हैं, डिजायर्ड कलर। आप यहाँ पे अगर फ्लैश क्यू पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ पे इवेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं, नेविगेशन दे सकते हैं। अभी हम कमेंट मार्कर रहने देते हैं एंड देन क्लिक ओके। सो ये तो बात है अपनी टाइमलाइन में आप मार्कर को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने मल्टीपल मार्कर प्लॉट कर रखे हैं अपनी टाइमलाइन में, हमें उन्हें डिलीट करना है या फिर उनकी पोजीशन चेंज करनी है, तो वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए सिंपली आपको अपने मार्कर पर डबल क्लिक करना है। अभी के लिए मैं इसकी ड्यूरेशन 0 कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डिलीट ऑप्शन शो रहा होगा। जैसे आप डिलीट करेंगे तो ये जो हमारा मार्कर है वो डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने अपनी टाइमलाइन में मल्टीपल मार्कर प्लॉट करे हुए हैं, तो मुझे इन मार्कर की पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करने के लिए सिंपली आपको अपने मार्कर सेलेक्ट करना है, देन आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आप करना चाहें, जहां भी करना चाहें। डिलीट करने के लिए सिंपली वही मेथड है, आपको डबल क्लिक करना है एंड देन क्लिक डिलीट। जैसे डिलीट क्लिक करूंगा मैं, आप देख सकते हैं हमारा मार्कर डिलीट हो चुका है। सो आज के वीडियो में हमने बात की कि आप प्रीमियर प्रो में अपनी टाइमलाइन में मार्कर कैसे प्लॉट कर सकते हैं एंड देन कैसे आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू तो नहीं कलर चेंज कर सकते हैं, एंड देन कैसे उसकी नेम, डिस्क्रिप्शन, कमेंट, जो भी आप जैसे भी डिफाइन करना चाहें अपने मार्कर को, तो वो कैसे कर सकते हैं एंड देन कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। सो गुड बाय फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस।